आपका जब फैंस जाकर के आप दोनों को साथ में देखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू समथिंग. डोंट टेल एनीथिंग प्लीज. आई मीन इट्स प्लीज डू नॉट इवन कंपेयर मी विद अजय सर फॉर हिज सीनियोरिटी फॉर हिज फॉर अ मैन ही इज. वी वर किड्स, वी ग्रो अप वॉचिंग हिज फिल्म्स एंड ही वॉज आर वेरी ओन एक्शन सुपरस्टार देन एंड इवन नाउ. So I still remember his entry in Phoolor Kante, you know, where he was standing on top of the bike, and I was like, "Yar, aisa kaise ho sakta hai? Yar, can I do it?" And my mom was like, "No, this is movie, and it happens only in movies. This doesn't happen in real life." I mean, like, see, I've watched my grandfather's films, my uncle's films. You know, we've watched a lot of films, but that entry for me was like crazy. So please, you know, when I worked with him, with Ajay sir, it was like working with a guru. I mean, we didn't have the opportunity to share screen space with him, but the small opportunity I had to go and like visit the sets when he was working, it really felt very, you know, it was, you know, I cherished it a lot. You know, seeing such a gentleman and that's about it for me. That's my feeling. Jaisa ke inhone kaha, anyways, thank you for making me feel so old. But I was expecting that. But haan, hamara kaam screen pe hum saath mein nahi hai film mein, but shooting ke waqt inhone visit kiya tha, and it was we had a great time. We had lunch together. Yes. And it was lovely. आता माझी सटकली साथ में नहीं. I'll say you repeat. आता माझी सटकली. I did this. आता माझी सटकली. That's from Singham, right? ठीक है. जयंती सर सोनिया यो कटप्पा. इतनी बड़ी फिल्म और ट्रेलर बहुत अमेजिंग, बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है. जयंती सर, आपसे सवाल है, इतनी बड़ी टीम का हिस्सा होना, इतने बड़े प्रोजेक्ट के पीछे बैकअप के लिए खड़े रहना, क्या कहना चाहेंगे आप? और जिस तरह का रेस्पॉन्स आज मिल रहा है ट्रेलर को, डू यू थिंक हाफ द बैटल इज वॉन? सबसे पहले तो राजामौली जी की फिल्म भाई, मतलब सोचना ही नहीं था, लेकिन जैसे इन्होंने बोला लैंग्वेज और बैरियर नहीं होता, मेरे साथ बहुत हुआ. क्योंकि धनया जी प्रोड्यूसर हैं और इनको हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती. तो मतलब हम लोग नंबर पे पेपर पे लिखते थे और एक दूसरे को समझते थे कि हम राजामौली जी तक कैसे भी करके कन्विंस करके ये मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनाएंगे. तो मुझे कोई ऐसा ये नहीं था कि. और दूसरा, इनकी फिल्म जो हमें हमारे पार्टनर हैं संजय जी, अमिताभ जी, जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं पेन मरुधर, और हम लोग की टीम, इस ये पहली फिल्म होगी जो हर प्लेटफॉर्म पे देखने मिलेगी. कभी पार्टनरशिप नहीं होती कि जी पे आने वाली फिल्म स्टार पे नहीं दिखती, तो ये पहली फिल्म होगी कि जो हर प्लेटफॉर्म पे देखने मिलेगी. मेरा वो आखिरी सवाल लेंगे. हाँ मैम, प्लीज एंटायर थैंक यू सो मच जो आपने अजय सर के लिए कहा, और हम सब उस बात से इतफाक करते हैं और एग्री करते हैं. इज वन ऑफ द फैंटास्टिक एक्टर वी हैव इन द इंडस्ट्री. राजामौली सर, आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत सुल्तान, मिर्जा, मल्लिक, अनगिनत किरदार, आप खाली अजय देवगन का नाम डालिए और आपको लगेगा जहन में दुनिया भर के किरदार आ जाएंगे. ट्रेलर वाकई में बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अजय सर जब बहुत कम आए हैं वो दुखता है कहीं. कोई इंटेंशनल करा है आपने कि सरप्राइज पैकेज होगा, इस वजह से रखा है सर? इट इज नॉट the duration that matters, it is the impact that matters. Alia, what's your take on this? Impact is matter. I agree. I do, no, and I'm not genuine. I genuinely mean it. I think it's what effect you have on the storyline of the film. You know, it and sometimes you don't need, you ek look hi kar jata, ek dialogue hi kar jata. It's the way you are presented, and that one moment or those two moments or whatever doesn't matter. It's how you fit in the storyline. So I feel that big, small, duration, wo sab, that's just, you know, coffee table conversation. That doesn't matter. Ajay sir, agar aap kuch kehna chahe. Nahin, bilkul, kahani ke liye kitna zaruri hai wo kirdar. Kahi characters
दो मिनट, पाँच मिनट, दस मिनट, पंद्रह मिनट या आधा घंटा, जितनी भी देर के लिए स्क्रीन पे होते हैं, बट आप सोचते कई बार कास्टिंग करते वक्त कि अगर मैं अपने कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली कुछ कैरेक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कहानी के बेस के लिए कि आपको उसमें ऐसा कोई इंसान चाहिए होता है जो एक इम्पैक्ट छोड़ के जाए. तो कई बार हम ऐसे बहुत सारे एक्टर्स के पास जाते हैं कि यार इट्स नॉट द लेंथ, लेकिन ये कर दो बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर